करिए आप अपना, मैं अपना चक्का ना चक्का, मैं अपना ढिड ना नंगा करा, पर इन्हें मैनू अंदर नहीं बढ़न दिता, मैनू घर दे। इन्हें 1987 विच बयान दिता इंडिया टुडे नू भी मेरे माँ प्यो की जुडिशियल सैपरेशन हुई हुई सी। जो तो मैं 2 साल का, मैं नहीं पता मेरी भैन है माँ। हाँ मैं फोटो दिखा रही हूँ तुम्हें, ये 2 साल का लगता तुम्हें। अपना पंजाब एनआरआई टीवी देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत है। पंजाब विच विधानसभा चोणां दा माहौल पूरे जोर उत्ते है, जिथे एक पासे दल बदली दा दौर चल रहा है, उत्थे ही दूजे पासे एक दूजे खिलाफ इल्जामां दा भी दौर चल रहा है। पर इस माहौल दौरान पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ खुद उन्होंने भैन सामने आई है। उन्होंने चंडीगढ़ विखे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नवजोत सिद्धू उत्ते गंभीर इल्जाम लाए ने। सुमन तूर ने नवजोत सिद्धू के परिवार से जातिकरण के इल्जाम लाए ने। उन्होंने कहा है कि 1986 सिद्धू ने मेरी माँ को घरों कढ दिता सी, बाद 1979 च रेलवे स्टेशन से मेरी माँ की लाश लवारसाल च मिली सी। सुमन तूर ने कहा है कि सिद्धू ने पिता के घर से कब्जा कर लिया सी। 1987 च एक इंटरव्यू च सिद्धू ने झूठ बोलिया सी। सिद्धू ने कहा सी कि वह 2 साल के सन जदों माँ प्यो वक्ख हो गए सन। भैन सुमन ने कहा है कि नवजोत सिद्धू ने पैसे जायदाद लई परिवार को बर्बाद किया। इन्ना ही नहीं, सिद्धू परिवार के दुख सुख च कदे शामिल नहीं होया। सिद्धू ने मैनू मिलन तक इनकार कर दिता। सुमन तूर ने कहा है कि वह 20 जनवरी मिलन गई सी, पर सिद्धू ने बूहे तक नहीं खोले। इस दे नाल ही सुमन तूर ने होर की कहा, आओ सुनते हैं। 13 जनवरी आई सी, मैं 20 जनवरी कोल अमृतसर गई, मैनू पता लगा किसी तो भी उत्थे है, क्योंकि मैनू इन्हें ब्लॉक किया होया। मैनू मेरे कोई टेलीफोन का जवाब नहीं, कुछ नहीं, व्हाट्सएप कुछ नहीं। मैनू पता लगा, मैं उत्थे गई भी मैं इहदे नाल गल करके, मैं इहदे नाल गल करा, शहरी की कर रहा बेटा, थोड़ी अकलमंदी करिए आप अपना, मैं अपना चक्का ना चक्का, मैं अपना ढिड ना नंगा करा, पर इन्हें मैनू अंदर नहीं बढ़न दिता, मैनू घर दे गेट तो अंदर नहीं मैं जा सकी। मैनू कह दिता गया भी तुसी अंदर नहीं जा सकते। मैं उत्थों वापस आ गई तो हुण मेरे को कोई चॉइस नहीं, तो मैं थोड़े लोगों को लाई हाँ, तुहानू मटीरियल इत्थे पिया मेरे को जिहदे करके मैं आई, तुसी सारे लै सकते हो, मैं दिता हुआ उन्होंने, बाद च तुसी सारे लै सकते हो। 1980 से मेरे फादर की डैथ हुई 1986 विच, ते इन्ने मेरी मदर नू उस तो बाद भोग तो बाद इन्ने क्लीयर करता भी तेरा इत्थे कख नहीं है, तेरा इत्थे कख नहीं है। जेड़ा घर उन्हें अपने ते उहदे घर वाले ने अपने खून पसीने नाल कमाया सी। मेरे माँ प्यो अमीर नहीं सी शुरू तो, बड़ी जद्दोजहद देखी है, असी देखी अपनी माँ नू नौकरी करदे ते उहदे साइकल पिछे मैं ते मेरी भैन इकला तिद्दर करके बहिंदियां हुंदियां सी। अगे उहदे टोकरी हुंदी सी, सानू स्कूल छड़ के आंदी सी ते शाम नू लेके आंदी सी। मेरे फादर पटियाले अपना लॉ करदे हुंदे सी ते एक छोटे जे कमरे च रहिंदे सी, ते साइकल ते मैं उहनू जांदे देखिया कचहरी, फिर उस तों बाद टुटे हुए स्कूटर ते जांदे देखिया उहनू। सो उह घर जिहड़ा उहनां ने अपनी मेहनत नाल बनाया सी, इहने कहता तू इत्थे नहीं रह सकदी, तेरा इत्थे कख नहीं है। उस तो बाद मेरी माँ ने उस तो कदी नहीं कुछ मंगया, ना आसी कदी भैन ने कदी कह दे मैं मेरे तो एक तेला भी मंगया। इन्हें 1987 विच बयान दिता इंडिया टुडे नू भी मेरे माँ प्यो की जुडिशियल सैपरेशन हुई हुई सी। जदों तो मैं 2 साल का, मैं नहीं पता मेरी भैन ते माँ। हाँ मैं फोटो दिखा रही हूँ तुहानू, ये 2 साल का लगता तुहानू, तुसी दस दो ये असी भैन, ये मैं असी दो भैन, मेरा प्यो आ मैं, आ मेरी भैन इधर,
आ मेरे फादर आ शहरी है आ जो पिछे सरदार बंदा है मेरे ताया जी का मुंडा जी के विआह ते फोटो लिती गई है अमरजीत सिंह सिद्धू ये 2 साल का है हो सकता है मेरी अखां भुलेखा पैंदा हो फोटो सारे जाने जिदा भी ले ली सो इन्हें जड़ा बयान दिता है मेरी मां इहदे कोल गई लुधियाने तो इन पुछन भी शहरी आ की है तू झूठ के बोल रहा है एक कहना मैं नहीं कहा मम्मी एक किसी होर ने कहा वो कहंदे फिर तू ओदो क्यों नहीं कहा जब तू कोल सी भी झूठ है तू चुप क्यों रहा वो बीमार सी जनानी ओनू डायबिटीज सी ओदी अखां ते बहुत असर सी पर ओने इस तो इत्र दी ढेला नहीं मंगिया ना इन्हें कदी ओनू दिता वो कहंदे भी मैं ये क्लीयर करना है मैं कोर्ट विच जाऊंगी कहना हां मां तू कोर्ट च जा मैं तेरे नाल जाके कहूंगा भी झूठ है वो कहंदी ठीक है उन्हें कचहरी च दिल्ली कोर्ट च केस किया इंडिया टुडे ते वो जांदी रही पेशी ते ही नहीं गया ओदे नाल नहीं तुरिया वो कल्ली जांदी रही सितंबर 1989 विच ओ पेशी तो आ रही सी माफ करियो मैं ओदी दिल्ली रेलवे स्टेशन ते एक लवारस औरत दी तरह मौत होगी जिदे कोल कोई उदा घर वाला बच्चा नहीं सी कोई होर नहीं सी जबकि ए उदे पैसे ते ऐश कर रहा सी क्योंकि उनू हिस्सा ना देना पे जिस करके इन्हें झूठ बोलिया जो मैं समझती हाँ और रेलवे स्टेशन ते मर गई गड्डी दी इंतजार कर दी लवारस औरत नहीं सी ओ साड़ी मां सी जिन्हों इन्हें लवारस बनाता किस काम लई पैसे पिछे ओ पैसे लखा तो तू अज करोड़ा बना ले शहरी तू होर करोड़ा बना मैनू तेरा पैसा नहीं ये पैसे मामले नहीं है मेरी मां ने नहीं तेरे तो एक तेला मंगया मर गई बीमार सी मैनु तेरा पैसा नहीं चाहिए भरा मेरे पुत्रा वर्ग जीन जो गया मेरे लिए बड़ा औखा है अपने भरा गल कहनी पर इन्हें मैनु मजबूर करता अब मेरे व्हाट्सएप ते कई मैसेज है जेड़े मैनु भेजे टाइम तो टाइम भी शहरी तू जो कर रहा बहुत गलत कर रहा है बेटा मेरे नाल बह के गल कर ले इन्हें नहीं मैंने कोई जवाब दिता इन्हें मैंने सगो ब्लॉक करता मेरे को सारे जो तो स्क्रीनशॉट चाहिए होने मैं तुम्हें तो सारे भेज सकती हूँ जो मैंने लिखा मैं ये कभी कोई जवाब नहीं आया जो तो मेरी भैन की डैथ हुई मेरी भांजी ने मैनू दसिया मेरी भांजी कली सी मैं उन्होंने अमरीका लै गई क्योंकि इतने कख भी नहीं सी ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਾਸੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬੜੇ ਮੰਮਾ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਮੰਮਾ ਦੀ ਜਿੱਦਣ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ
ਉਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਕਿਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਤ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਪ੍ਰੀਵੀਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਪਈ ਰਹੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਚ ਜੇ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਨਮੋਸ਼ੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਇਹ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਨੇ ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ ਸਕੀਏ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦੇ ਇਹ ਉਸ ਪੁੱਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਡੇਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ www.apnapunjabmedia.com ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਡੇਲੀ ਈ ਪੇਪਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ।